कपड़े के छोटे से पीस से बनाएंगे एक हैंड पर्स। इसके लिए कपड़ा लिया है, यहाँ पर ये मैंने बुकरम का पीस लिया है और एक मेन फैब्रिक लेना है और एक लाइनिंग का लेना है। ये 8x12 इंच का लिया है और ये बुकरम है। बुकरम को ऐसे रखेंगे और यहाँ से 4 इंच का निशान लगाना है और इस साइड से 3 इंच का निशान लगाएंगे। इनको ऐसे मिला लेना है, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है इस साइड से भी, और यहाँ पर गोलाई में शेप दे देंगे। जिस तरह शेप दी है उसी तरह इसकी कटिंग कर देनी है। ये कटिंग होने के बाद इस शेप में आ जाएगी बुकरम। अब इस बुकरम को हमें कपड़े पर सेट करना है। ये मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर ऐसे रखना है, कपड़ा उल्टा रख करके यहाँ पर ऐसे सेट कर देना है इसे, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे, जिससे ये बुकरम हमारी एक साइड से चिपकने वाली है। तो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाने के बाद ये लाइनिंग का पीस है, ऐसे रखने हैं तीनों पीस। अब यहाँ पर 2 इंच तक छोड़ लेंगे, सीधा करेंगे बाद में यहाँ से। अब यहाँ से किनारे से सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, साथ साथ में लगानी है। तो इस तरह से देखिए ये सिलाई लगेगी। तो जब तक सिलाई हमारी लग रही है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लग जाएगी और इतना पीस हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद यहाँ पर आधा आधा इंच छोड़ के यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। सारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे और यहाँ कॉर्नर्स हैं इनको भी कट कर लेना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इससे क्या जब सीधा करेंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आएगी। यहाँ पर कट लगा लेने हैं और कट लगने के बाद अब यहाँ से हमें सीधा करना है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बुकरम है, थोड़ा धीरे धीरे होगा हमारा, लेकिन बुकरम से हमारी अच्छी एकदम फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है किनारे से। इसके बाद यहाँ पर 2 इंच लेना है यहाँ से भी, और यहाँ पर ये सीधी मार्किंग कर देंगे। जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, किनारों से डबल डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये पीस रेडी हो गया है। अब इस पीस को इस तरह से ऐसे रखना है और ये ऐसे इसको सेट कर लेंगे यहाँ पर। और अब हमें यहाँ इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर देखिए ये सेंटर का है, इसे सिलना है दोनों साइड का। तो ये हम इस तरह से सिलेंगे, दोनों को ऐसे रखना है और यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे किनारों से, और इसी तरह दूसरी साइड में भी ऐसे रख के यहाँ पर लगा देनी है सिलाई। और ये सिलाई लग गई है। इसके बाद देखिए ये हमारा छोटा सा पर्स बन के रेडी हो गया है। इस तरह सेट कर लेना है और यहाँ पर देखिए ये हमारे 3 पॉकेट वाला बना है। इसमें आप अपने आधार कार्ड या कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। यहाँ पर बटन लगा दिया है, ऊपर से फैंसी बटन लगा दें। आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट करें।